सर, आप लोगों का फनी गेम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बिच्छू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी सीरीज का जो आपका वीडियो चला है उसका जो है यहाँ पे पार्ट 13 देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपने अगर 12 पार्ट को नहीं देखा तो उनको जरूर देखिए, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसमें मोस्ट मोनी क्वेश्चन हम देखते हैं 25, जो कि आपके बाई लैंग्वेज में रहते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। इसका PDF आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चन है उनका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे मोस्ट मोनी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने हेन डॉग कैट, चूज द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द गिवन फोर आर्गुमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे आपको मुर्गी कुत्ता बिल्ली दे रखा है, इनमें से चार तर्क आ रखे के आधार पर सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए आपकी जो मुर्गी होती है वो भी अलग है, कुत्ता उससे अलग है, बिल्ली अलग है, यानी तीनों जो है क्या है अपने आप में एक दूसरे से अलग हैं। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक क्लब है 30 मेंबर्स, ईच मेंबर शेक्स हैंड विद ईच मेंबर्स वंस, हाउ मेनी टाइम्स डिड हैंड गेट टूगेदर। यहाँ पे हैंड जो है शेक्स किया जा रहा है, यानी शेक किया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, ठीक है, मतलब मिलाया जा रहा है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, कह रहा है कि एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य एक बार हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाएगा। इसका एकदम सिंपल सा फार्मूला है, आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लिखा एन माइनस वन अपान में आपका क्या होता है, टू होता है, ये माइनस वन है, ब्रैकेट क्लोज है। आपका एन इक्वल टू 30 आपका दे रखा है और इधर आपका क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, क्योंकि 30 में से जैसे ही आप लेस करोगे माइनस का वन तो आपके पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा ना 30 और 21, और इधर आपका टू नीचे, टू से काटा है आपका 50 हो गया। ओके, 15 का जब मल्टीपल करोगे 290 में तो आपका क्या आएगा 435 आएगा आपके पास, 435 यानी 435। ओके, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसमें कितने ट्रायंगल है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपका क्या दिख रहा है, जैसे इस प्रकार का आपका शेप बना होता है तो इसमें क्या होता है, तीन होते हैं, तो ऐसे ही कुछ आकृति ये दिख रही है आपकी, इसमें तीन हो गए, है ना, इसमें भी आपके तीन हो गए, इसमें भी आपके तीन हो गए, यानी तीन त्रिका 9 आपके क्लियर, 9 आपके क्लियर हो गए। ओके, आपका एक ये बड़ा वाला यानी एक, उसके बाद देखिए सिंगल सिंगल अंदर 1, 2, 3 और 4, चार अंदर भी आपके, है ना, चार आपके अंदर हो गए, तो 9, 1, 10 प्लस का आपका 4, ये कितने हो गए 14, और एक आपका पूरा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला करेंगे कितना हो जाएगा 1, 15, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इस ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज शॉर्टर देन बी, यानी ए जो है किससे छोटा है, बी से छोटा है, ये इज, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ए इज शॉर्टर देन, यानी बी यहाँ पे कहीं होगा, बी से क्या है, ए छोटा है, दूर दूर इसलिए लिखा है, बीच में अगर कोई आएगा तो उसको हम बिठा सकते हैं। ओके, ए इज शॉर्टर देन बी, यानी बी से छोटा है बट टॉलर देन सी, देखो सी से क्या है लंबा है, ए जो है किससे छोटा है, बी से छोटा है, लेकिन क्या है कि सी से लंबा है, सी को भी हम दूर बनाते हैं ताकि बीच में कोई आए तो उसको हम रख सकें। कह रहा है कि डी जो है ए से छोटा है, डी ए से छोटा है परंतु क्या है वो सी से लंबा है, तो मतलब सी से आगे क्या होगा, डी होगा, यहाँ पे अच्छा डी रहेगा। ओके, डी जो है ए से छोटा है परंतु सी से लंबा है, ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ई जो है बी से तो छोटा है लेकिन किससे, ए से लंबा है, सबसे छोटा। अब देखिए आपका बन गया सी डी ए ई और ग्रेटर देन बी, सबसे बड़ा जो है कौन सा, बी दिख रहा है, और सबसे छोटा कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेटर सेट दैट डज नॉट मैच द अदर, निम्न में कौन सा एक अक्षर समूह है जो अन्य से मेल नहीं खाता है। देखिए यहाँ पे आपका गोट जो होता है वो भी आपका पालतू होता है, यानी जो बकरी है पालतू होती है, भैंस भी आपका पालतू होता है, गाय भी पालतू होती है, लेकिन भेड़िया क्या है, ये जंगली है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, वुल्फ आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉय 3 किमी गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ आवर एंड द 2 किमी, देखो 2 किमी प्रति घंटे की स्पीड से जो है 3 किलोमीटर जाता है लड़का, ठीक है, आगे कह रहा है 3 किलोमीटर की स्पीड की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रिटर्न होता है, वो वापस होता है।
3 किलोमीटर के पर घंटे के हिसाब से पर आवर के स्पीड से कहाँ जा रहा है, 3 किमी गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ आवर, यानी 3 किलोमीटर जो है उसका कितना है, 1 घंटे में जाने की स्पीड है, 3 किमी पर आवर आपकी उसकी चाल है कहाँ स्कूल जाने की, 2 किमी पर घंटा जो है वो क्या है कि चाल वापस आने की, तब उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको बताना है कि घर से स्कूल की दूरी कुल कितनी है। देखिए आपका है क्या, इसका आप करेंगे क्या कि टोटल जो है यहाँ पे जो दोनों डिस्टेंस आपका दे रखा है और इनको दोनों को जोड़ देना है और टोटल टाइम जो लग रहा है, बस आपका फॉर्म ये बन गया और आंसर आपका आ गया, ये आपका कुल समय हो गया और आपका यहाँ पे कुल दूरी हो गई। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 6 ऊपर नीचे आपका 5 और ये आपका मल्टीपल का 5, ये आपका कट गया, बचा कितना 6 बचा, यानी जो डिस्टेंस है कितनी है 6 किलोमीटर की, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। ओके 6 किलोमीटर की डिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट विल यू कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 8 का 81 बना है 64 का क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 8 जो है क्या होता है कि 2 का क्यूब होता है ना, उसी प्रकार से आपको ये भी जानकारी है कि 3 का जो पावर 4 होता है कितना होता है, 81 होता है। तो उसी प्रकार से आपका अगर 4 का क्यूब दे रखा है 64, तो 5 के पावर 4 की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसको कैसे करना है, आपका दे रखा है VVSC और YEHX, MRCP और क्वेश्चन मार्क आपको बताना, देखिए क्या 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 है, VVSC YEHX, इसमें हुआ क्या है कि B का जस्ट अपोजिट आपका क्या है E है, V का अपोजिट आपका यहाँ पे E है और S का अपोजिट H है और C का अपोजिट X है। अपोजिट आपको पता कैसे करना, जैसे कि आपको B का अपोजिट निकाल, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 22 है, ये आपका 19 है, ये आपका 3 है, किसी का भी अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 27 से उसको जैसे 2 हमने लेस किया तो जैसे ही आपका 25 आया, 25 का मतलब वो आई आ गया, जैसे आपने 27 से 22 लेस किया तो आपका मतलब क्या आएगा, 5 आ गया, मतलब क्या ई आ गया। देख सकते हैं आपका यहाँ पे वाई है, ये आपका 25 है और ये आपका ई, यहाँ पे 5, एच आपका 8 हो जाएगा, एक्स आपका 24 है, यानी सभी आपके अपोजिट लिखे हुए। उसी प्रकार से नेक्स्ट में भी आपका क्या हो जाएगा, यम का जस्ट अपोजिट, यानी यम के लिए आप क्या करेंगे, 27 में से 13 को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14, यानी यन आएगा, यन आपका हो गया। ओके उसके बाद आर है, तो आर का 18 जैसे ही लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 9 बचेगा, 9 का मतलब क्या होता है 9 का मतलब आई होता है, यन और आई देख सकते हैं कि इसमें है, इसमें केवल आपका सी ऑप्शन दिख रहा है, तो यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन, यानी यहाँ पे देखिए जे दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है, यानी एन आई हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सी का एक्स है, पी का आपका के अपोजिट होता है। नेक्स्ट देखिए, जस्ट एज हॉर्स इज रिलेटेड टू ग्रॉस, सिमिलर ऑटोमेटिक व्हीकल इज रिलेटेड टू, देखो ऑटोमेटिक जो व्हीकल होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो पेट्रोल से रिलेटेड, जैसे कि कह रहा है कि घोड़ा जिस प्रकार घास से संबंधित है उसी प्रकार से स्वचालित वाहन यानी ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स होते हैं वो किससे रिलेटेड हैं, पेट्रोल से आपके रिलेटेड हैं। ओके ऑटोमेटिक जो व्हीकल्स हैं। नेक्स्ट, इफ द रिफ्लेक्शन टाइम इज 10:20 यानी 10:20 हो रहा है, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम इन द केस, आपका होगा क्या, जैसे कि वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर में आपका क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बीच में डायल आपका है। ओके 10 बजे की आपका जो यहाँ पे 10 पे आपकी आवर की निडल है और मिनट की जो निडल है आपका कहाँ पे है, वो 20 पे है, वो 20 पे है यानी 4 पर है, ये आपका 10 पे है और ये आपका 4 पर है। अब आपका देखिए क्या है कि ये 9 यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या है कि 9 होता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे जो है आपका 9 होता है और यहाँ पे जस्ट इसके सीध में क्या होता है, 3 होता है। इसको आप पहचानेंगे कैसे, आराम से देखिए, आपका ये जो आवर वाली निडल है क्या है कि पानी में है, ये आपका प्रतिबिंब में दिख रहा है, यानी जब सीधे जाएंगे इसको लेकर ऊपर जाएंगे लेकर तो क्या होगा, ये जो आवर वाली निडल है वो पलट के आपकी कहाँ जाएगी, ये आवर वाली जैसे कि 9 से 1 ऊपर है कहाँ जाएगी, 9 से 1 नीचे, यानी किस पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी, यानी जो भी घड़ी में 8 दिखा रहा होगा, यानी 8 तो एक ही ऑप्शन है, ये तो आपका सीधा सीधा सही हो गया, लेकिन आपका और आगे चेक कर, जैसे कि 8 पे आ गई आवर की निडल, आपका जो 4 है वो 3 से कितना नीचे, 1 नीचे, तो क्या होगा, 3 से 1 ऊपर चला जाएगा यानी 2 पे चला जाएगा, यानी 8:10 आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, जो आपका प्रतिबिंब के तस्वीर में बना हुआ कितना बना है, 10:20 बना हुआ था, वो आपका वास्तव में कितना था, 8:10 आपका यहाँ पे दे रखा था। ओके नेक्स्ट, व्हाट डे विल बी 26 जनवरी 1930,
प्रथम स्वाधीनता दिवस जिन दिन मनाया गया था, प्रथम इंडिपेंडेंस डे जब मनाया गया था, उस चीज़ की बात कर रहा है, 26 जनवरी 1930 की बात कर रहा है। ओके, प्रथम स्वाधीनता दिवस। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको कोड याद रहना चाहिए, जो मंथ्स के कोड आपको बताए गए हैं, मंथ्स के जो कोड हैं आपका क्या है, 033 और 614, 625 और 035, ये रहे मंथ के आपके कोड। सेंचुरी के कोड की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका 1600 है, 1700 है, 1800 है और 1900 है, इधर आपका फिर आ जाएगा 2000, इधर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2100, ये 2200, इधर 2300, ये सब आपकी सेंचुरी हैं। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें हम चार से भाग देते हैं, लेकिन जैसे ही वो शताब्दी बनता है यानी 100 जैसे ही होगा तो उसके बाद हम चार से डिवाइड नहीं करते, नहीं तो सभी सेंचुरी जो है आपकी लीप ईयर में चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही सेंचुरी आपकी बनेगी उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, इसका ध्यान रखना, उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो 400 से यानी 16 डिवाइड होगा, यानी 1600 होगा, 2000 होगा, उसके बाद आपका 2400 होगा, 1200 होगा, इस प्रकार से जो रहेंगे वो आपके डिवाइड होंगे। तो आपको क्या करना, इन कोड्स को याद रखना, इसके लिए कोड आपका क्या है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, यानी जब भी 1600 शताब्दी का कोई भी आपका डे दे रखा रहेगा उसके लिए हम 6 कोड यूज करेंगे, 17वीं शताब्दी का दे रखा तो उसके लिए हम 17 कोड यूज करेंगे, 12 यहाँ पे रहेगा यानी 1800 कुछ भी रहेगा तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कोड, 1900 हो या 2300 हो या 2700 इस प्रकार से कोई भी रहेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 0 कोड। अब यहाँ पे आपका 26 जनवरी दे रखा, देखो क्या करना क्या है, 26 जनवरी 26 को एग्जैक्ट लिखो। ओके, जनवरी का यहाँ पे देखिए, ये आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी आपके मंथ्स के कोड दिए रहे क्रमबद्ध तरीके से। जनवरी आपका पहला है, जनवरी का कोड क्या है, 0 है। ओके, अब आपका यहाँ पे 1900 जो 30 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 30 लिख सकते हैं ना भाई, तो 1900 को कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है 0, तो 1900 का कोड क्या होगा, 0। 30 को आप क्या करो, एग्जैक्ट लिख दो, 30 को जैसे एग्जैक्ट लिखा उसके बाद आपको एक दूसरा काम करना है कि इसमें 4 से हमें भाग देना है, 4 से इसमें भाग दोगे जब 30 में तो क्या होगा कि ये 7 बार डिवाइड होगी, बस आपको जितनी बार वो डिवाइड होता है उस पर ही फोकस करना है, यानी डिवाइडर पर फोकस करना है, यानी जो डिवाइड जितनी बार होगा उतनी बार, रिमेनिंग क्या बचेगा उससे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिमेनिंग पर मत ध्यान देना। अब देखिए 4 से जब डिवाइड किया तो हमने क्या दिया, किस पर ध्यान दिया, जितना भाग फल था उस पर ध्यान दिया, यानी जितनी बार हमारा डिवाइड हो जा रहा था उस पर हमने ध्यान दिया, लेकिन जब 7 से, अब इसको क्या करना, टोटल को जोड़ के आप 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल को जोड़ के 7 से डिवाइड कर देना। देखिए करना क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आपके रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर रिमेनिंग पर ध्यान देना यानी शेषफल पर ध्यान देना, 4 से जब भाग करेंगे तो भागफल पर ध्यान देना है यानी कितनी बार डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 7 आपका कट जाएगा, 7 से ही पूरा डिवाइड करना, सब जोड़ के भी आप आराम से कर सकते हो, जैसे कि 30 और 26 जो जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा। आप टोटल जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका टोटल जोड़ने पे 63/5 हो जाएगा, तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो 9/7 पूरा आपका कट गया, तो 0 जब आपका बचेगा तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ओके, याद ध्यान ध्यान। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग रहेगा यानी जो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमेनिंग अगर 0 बचेगा तो क्या होगा, देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि अगर 0 या 7 आपका आएगा तो उसके लिए वो संडे हो जाएगा, यानी आपका वो रविवार होगा। अगर 1 आपका रिमेनिंग बचेगा 7 से डिवाइड करने के बाद तो आपका क्या होगा, मंडे होगा यानी सोमवार होगा। 2 अगर बचा तो ट्यूजडे हो जाएगा, 3 अगर बचा तो वेंसडे हो जाएगा, अगर 4 बचा तो थर्सडे हो जाएगा यानी बृहस्पतिवार, 5 बना तो फ्राइडे, और 6 बचा तो सैटरडे यानी शनिवार। पहला आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बीप है, शुक्र और शनिवार, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड यस आर सिस्टर्स, द सन ऑफ पी इज ब्रदर ऑफ यस, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्यू एंड आर। आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है कि क्या क्या रिलेशन बन रहा है किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, क्यू और आर के बीच में आपसे पूछा गया कि क्यू और आर में क्या रिश्ता है। देखिए इसको कैसे करेंगे, कह रहा है कि पी और क्यू ब्रदर्स हैं, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। ओके, ये भाई भाई हैं। कह रहा है कि आर एंड यस सिस्टर्स, आर और यस जो है सिस्टर्स हैं। द सन ऑफ पी इज ब्रदर ऑफ यस। देखिए पी का जो भी लड़का है यानी जो भी इसका पुत्र है यानी सन इसका जो है वो क्या है कि यस का वो भाई है, यस का भाई है। अब यहाँ पे यस का अगर ये भाई हो गया तो क्या होगा, इसकी बहन आर भी होगी और यस भी इसकी बहन होगी, क्योंकि आर और यस यहाँ पे बोथ आर सिस्टर्स। देन यू कॉल्ड
पी इज फादर ऑफ आर एंड यस, पी इज फादर ऑफ आल एंड यस, देन आर्स अंकल इज क्यू, आर्स अंकल इज क्यू बिकॉज आर फादर ब्रदर इज क्यू, देन आर अंकल इज क्यू, सो दैट अंकल रिलेशन हियर। ओके, यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, चाचा का रिलेशन बन जाएगा, यानी अंकल का रिलेशन आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एज ब्रदर ऑफ बी एंड सी, एज ब्रदर ऑफ बी एंड सी एंड डी इज द मदर ऑफ सी, कह रहा है कि ए जो है किसका भाई है, बी और सी का, ए बी और सी क्या है, भाई हैं, ए एंड बी और सी ब्रदर्स हैं, ए बी और सी ये तीनों जो है आपके भाई हैं, ठीक है, एक ही में है तीनों। यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन बोथ आर ब्रदर्स हैं यहाँ पे, यानी सभी आपके ब्रदर्स हैं। ओके, कह रहा है कि डी इज मदर ऑफ सी, डी जो है किसकी माँ है, सी की माँ है। कह रहा है कि ई इज सिस्टर ऑफ बी, ई जो है किसकी बहन है, बी की बहन है, अगर बी की बहन है तो ये सी की भी बहन होगी और ए की भी बहन होगी, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के भाई हैं। अब आपका पूछ रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, अब यहाँ पे है कि डी का ई से क्या रिश्ता है, तो भाई डी के लिए भी क्या होगा, ई जो है क्या होंगी, माँ होंगी, यानी मदर हो जाएंगी, क्योंकि जब इनके ये सब भाई हैं और यहाँ पे इनके भाई की माँ आपकी अगर डी हैं तो ई की भी माँ क्या हो जाएंगी, डी ही हो जाएंगी, यानी डी ऑप्शन दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इन अ कोड लैंग्वेज मस्टर्ड इज रिटन एज द डब्ल्यू आई एफ सी एच एफ एन, देन व्हाट विल बी द रिटन एज द सनफ्लावर इन दिस कोड लैंग्वेज, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में मस्टर्ड को डब्ल्यू आई एफ जी एच एफ एन लिखा गया, तो इसी कोड भाषा में सनफ्लावर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन एकदम इजी है, जब तक आपको नंबर नहीं याद होगा तब तक आप इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसका एक ही तरीका है कि आपको नंबर याद रखने है, कोडिंग रिकोडिंग का जो चैप्टर है यानी जो वीडियो है उसको आप अगर देख लेंगे तो आपको चीज़ें एकदम आसानी से याद हो जाएंगी। ओके, तो पहले हम पता करेंगे मस्टर्ड को कैसे कि आपका डब्ल्यू आई एफ जी एच एफ एन में परिवर्तित किया है। देखिए लिखते हैं एम यू एस टी यू आर डी, मस्टर्ड लिखा हमने, उसके जस्ट बगल में डब्ल्यू आई एफ जी एच एफ एन भी हमने लिख लिया। ओके, अब पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं आपकी आ जाएं, एक ही बार में इसको देखना है। अब देखिए यम के लिए आप क्या होगा, यम का जस्ट अपोजिट आपका क्या होता है, यन होता है, यानी यम आपका 13 होता है, यन आपका 14 होता है। अगर आप 27 से 13 को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 आएगा। ओके, तो यम का अपोजिट जस्ट जो है वो क्या है, लास्ट में लिखा गया। यू का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, यफ होता है, यफ को कहाँ लिखा गया, लास्ट में लिखा गया। यानी आपका हो क्या रहा है कि अपोजिट लिख के उसको बैक साइड से लिखते चला रहा है, यानी आपका जस्ट अपोजिट लिख के वो अपोजिट डायरेक्शन में लिखता हुआ चला, यानी विपरीत लिख के वो उल्टा वहाँ पर भी लिख रहा है। ओके, यानी यम का अपोजिट जो यन होना चाहिए आगे उसको कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। यू का जो आपका होना चाहिए अपोजिट, यू का यफ होना चाहिए उसको यहाँ पे लिखना चाहिए, उसको कहाँ लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है। यानी आपका जैसे कि डी का होगा तो डब्ल्यू आपका पहले लिखा, आर का जो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा, यानी उल्टे से आपका ये स्टार्टिंग में लिखता चला आया है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर आते हैं, सनफ्लावर पर आते हैं। देखिए सनफ्लावर का भी आपको सेकेंडों में हो जाएगा, आपको नंबर बस याद होनी चाहिए। सनफ्लावर, सनफ्लावर की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होगा, यस का जो अपोजिट होता है क्या होता है, आपका यच होता है, यच होता है, लेकिन हमें आगे नहीं लिखना है, इसको कहाँ लिखना है, इसे हमें लिखना है पीछे साइड से, यानी इधर उल्टा साइड से लिख जाना है। यच आपका जिसमें भी लास्ट में होगा वो आपके हो सकते हैं, जैसे कि आपका ए है और ए है, दो आपके हो सकते हैं, बाकी आपका ए और डी आपके आंसर नहीं हो सकते। ओके, दूसरा आपका यू है, यानी यफ होगा, यफ होगा, इसमें देखते हैं यफ, इसमें भी है, दोनों में भी यफ आपको दिख रहे हैं। उसके बाद यन है तो यन का अपोजिट कौन होगा, यम होगा, एकदम सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे ई क्या है, सनफ्लावर, यफ है, तो यफ का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यल का अपोजिट ओ हो जाएगा, ओ का अपोजिट यल हो जाएगा, यानी यल ओ यू, यल ओ यू एकदम सही चला है। डब्लू का जो अपोजिट होता है वो होता क्या है, डब्लू का जो अपोजिट होता है वो होता क्या है भाई, देखिए यहाँ पे W आपका है तो W का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, E होता है, और E का अपोजिट क्या होता है, W होता है, और I का अपोजिट क्या होता है, R होता है। तो R W E आपका कौन सा दिख रहा है, कुछ गड़बड़ गया भाई, R का जो I होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए R लिखा है तो R का आपका I हो जाएगा, यहाँ पे I रहेगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे I हो जाएगा स्टार्टिंग में आपका I W E, देखिए आपका कौन सा है, C वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में आपका दो बार W दे रखा है, इस वजह से आपका B ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए
द 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ द 90 किमी पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ पिलर। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका जो 100 मीटर ये डिस्टेंस दे रखा है, ओके 100 मीटर के डिस्टेंस दे रखा है। अब आपका कह रहा है कि ट्रेन जो चल रही है किस स्पीड से चल रही है, ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम आपसे पूछा जा रहा है, टाइम आपको वैसे रहने देना है जैसा आपका दे रखा है। अब आपको क्या करना है ना कि जो ये आपका 90 है इसको क्या करेंगे, हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 इसको कर लेना है, तो 18×5=90 हो गया। अभी आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 से जब इसको काटेंगे तो 25×100 यानी कितना हो जाएगा, 4 सेकंड आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्विमर हैज 9 किमी पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड इट्स स्पीड ऑपोजिशन इन स्ट्रीम इन द 6 किमी पर आवर, व्हाट इज द स्विमर स्पीड इन द काम वाटर, यानी शांत जल में उसकी चाल क्या है। तैराक जो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर, तो आपको करना क्या भाई, इनको दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दिया हमने, और क्या करना है, आधा कर देना यानी हाफ कर देना, यहाँ पे 15 हुआ और दो, इसको जब डिवाइड किया तो 7.5 आपके आ गया, यानी उसकी जो आपकी शांत जल में यानी काल्म वाटर में जो उसकी स्पीड होगी कितनी होगी, 7.5 किमी पर आवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका दे रखा है ई पी इक्वल टू 6 क्यू, देन व्हाट परसेंट इज लेस देन ई क्यू पी, यानी क्यू से जो है कितना परसेंट पी आपका कम होगा। इसके लिए देखिए होगा क्या, जैसे कि आपका दे रखा है पी इक्वल टू 6 क्यू, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे पी और क्यू आपका हो जाएगा नीचे और ये आपका 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 से जो है एक ही कम है 5, 6 से एक ही कम आपका होगा 5, तो जितना भी होगा देखिए, अब आपका होता क्या कि 1/6 होता है, इसका जो मान होता है कितना होता है, 16/2/3 होता है, 16/2/3% होता है। अब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 5, मतलब एक कम है तो 5 होगा, यानी ये 6 है तो ये 5 होगा, यानी क्यू आपका 6 है पी आपका 5 है। अब देखिए यहाँ पे 1/6 का मतलब 16/2/3 है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसी का जो है 16/2/3 को जो है इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे, 16×5=80 और 5×2=10/3 हो गया, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3×3=9, देखिए अब क्या हो जाएगा 80+3 और प्लस का 1/3 यानी कितना आ जाएगा, 83/1/3%, यानी 83/1/3% यानी कौन सा ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, याद रखिए 83/1/3% आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी इसमें नहीं है। कह रहा है कि इफ 2x कामा लगा है ब्रैकेट में x+10 एंड 3x+2 आर इन पैरेलल सीरीज, देन x इक्वल टू, मतलब x का मान आपसे पूछा जा रहा है कि x क्या है, यानी ये सभी समांतर श्रेणी में दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, x+10 यानी आपका जो दूसरा पद है उसमें से क्या करना है, आपको पहला पद जब लेस करते हैं तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 3x+2 का और माइनस आपका x+10 हो जाएगा, ओके इतना आपका यहाँ पे फाइंड आउट होगा, यानी इतना आपको मिलेगा, यानी पहले में से दूसरे में से आप पहले को घटा रहे हैं और तीसरे में से आपको दूसरे को घटा देना है, ठीक है, इस समांतर श्रेणी की जो है पहचान होती है, यानी दोनों साइड आपका क्या होगा, इक्वल आएगा। अब यहाँ पे जब आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या मिलकर आएगा, देखिए अब आप यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट आपने तोड़ा तो आपको क्या होगा, ये आपका माइनस का x है और ये आपका प्लस का x है, तो क्या पे हो जाएगा 10 - x और इधर 3x है और ये आपका x होगा, तो इधर कितना बचेगा 2x और ये आपका माइनस का 10 है, ये आपका प्लस का 2 है, तो कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। आपका प्लस का 2 इधर है और यहाँ पे आपका माइनस का x है, +2x है और माइनस का x है, ये आपका -8 है और यहाँ पे प्लस का 10 है, इसी 8 को इधर लेके आओ, इसी x को इधर लेके जाओ, तो आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और इधर आपका 3x हो जाएगा, देन x इक्वल टू इससे 3 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 6 हो गया, ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन 3x-4y+6 इक्वल टू 0 एंड 4x+3y-10 इक्वल टू 0 आर म्यूचुअली, आपका ये सीधा सीधा एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो है क्या कहते हैं, वर्टिकल हो जाएगा यानी लंबवत हो जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रूट दिया है 1-cos a/(1+cos a), आपका फुल रूट कवर्ड है, इसको एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप, क्या करना है, ऊपर नीचे आपको क्रॉस मल्टीपल कर देना, जो आपका डाउन में है उसका जस्ट अपोजिट आपको क्रॉस मल्टीपल कर देना है, जैसे कि आपका यहाँ पे करें अगर क्रॉस मल्टीपल तो क्या हो जाएगा,
नीचे से आपका वन माइनस कॉस ए और ऊपर भी यहाँ पे नीचे से आपका वन माइनस कॉस ए हो जाएगा। जब दोनों का आपका मल्टीपल होगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, वन माइनस वन स्क्वायर एंड माइनस का कॉस स्क्वायर बन जाएगा आपका, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फार्मूला बन जाएगा। तो आपका क्या होगा, ब्रैक यहाँ पे जो रूट है वो टूट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस ए, नीचे आपका वन प्लस कॉस ए वन माइनस कॉस ए, तो आपका फार्मूला बन जाएगा, है ना, आपका फार्मूला बन जाएगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका यहाँ पे हो गया नीचे, ओके इतना क्लियर है। अब देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, आपका साइन ए हो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आपका रूट में पूरा, अभी तो पहली बात ये है कि आपका रूट में है। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या बन सकता है, इसको जो हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। तो जैसे ही हम कॉस को दूसरी तरफ ले जाते हैं क्या हो जाता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर वन हो जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर वन हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर वन, इसकी जगह पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आपका वन माइनस कॉस ए अपान में जो है साइन ए हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट टूट जाएगा, स्क्वायर से आपका ब्रैकेट यहाँ पे जो रूट दे रखा है वो आपका कट जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपान साइन ए माइनस का कॉस ए अपान का साइन ए। अब आपको ये पता है कि जो वन बाई साइन ए होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं, कॉसेक हो जाएगा, और दूसरा माइनस का कॉट ए हो जाएगा। वन यहाँ पे देखिए कॉसेक ए और माइनस का कॉट ए, आपका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दीजिए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन अमाउंट बिकम्स 900 एट द सिंपल इंटरेस्ट इन टू ईयर्स एंड द 1200 इन फोर ईयर्स, व्हाट इज द मनी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें करना कि आपका दो साल में कितना हो रहा है 900, ओके कोई दिक्कत नहीं, चार साल में कितना हो रहा है 1200, इनके बीच का जो डिफरेंस उसको ले लेते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंस हुआ, इधर आपका कितना हुआ 3 हो गया। अगर एक बराबर बात की जाए कितना 150 हो जाएगा, एक बराबर 150 हो जाएगा, ओके। अगर एक साल में हमें ब्याज 150 रुपये मिल रहा है तो दो साल में कितना मिलेगा, दो साल में हमें ब्याज जो है 300 रुपये मिलेगा। तो ये जो 900 है उसमें से हमें क्या करना है, इस 300 जो यानी ब्याज जो है उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 600 रुपये ही तो बचेगा प्रिंसिपल के तौर पर, यानी मूलधन जो है वो क्या है 600 रुपये है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स अंदर 400 प्रिंसिपल विल बी सम ऑफ द प्रिंसिपल इंटरेस्ट बी 100 एट द एनुअल रेट ऑफ 5%। तो इसको PRT अपन 100 से भी लगा सकते हैं, उसी फार्मूले का यूज करके आपको यहाँ पे लगा लेना है और कुछ भी नहीं इसमें करना है। देखिए आपका P इंटू R इंटू T आपका हो जाएगा और अपान में 100 हो जाएगा, और इधर आपका जो डिफरेंस यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आएगा यानी जो ब्याज है वो आपका वो दे रखा है, यानी SI आपका यहाँ पे दे रखा है। देखिए अब आपका SI आपका 100 दे रखा है और P भी आपका दे रखा है, R भी आपका दे रखा है। टाइम आपसे पूछा जा रहा है क्या कि की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि हो जाए कितने वर्षों में, आपका टाइम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम को हम इधर कर दे रहे हैं। पी आपका कितना है 400 है, आर आपका कितना है 5 है, आपका यहाँ पे परसेंटेज है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो 5% आपका हो गया, और 100 आपका SI भी दे रखा है, यानी साधारण ब्याज की जो राशि वो भी क्या है 100 रुपये यहाँ पे दे रखा है, ओके। तो कितना हो जाएगा, अगर 100 से काटा जाए इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ओके। और 5 का ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20×5=100 हो जाएगा, यानी टाइम जो है कितना हो जाएगा 5 वर्ष आपका आ जाएगा, ओके। टाइम जो है कितना, अच्छा ये टी जो है ऊपर है तो ये आपका उल्टा जस्ट हो जाएगा, ठीक है उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये 400 और नीचे जो है क्योंकि PRT वाला है, तो ये पोर्शन आपका नीचे रहेगा, ये पोर्शन आपका ऊपर थोड़ा सा रहेगा बस, और कुछ नहीं, इसीलिए 1/5 आया था और कुछ भी नहीं था, यानी 5 आपका यानी 5 वर्ष में राशि जो है क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय अप्लाइंग द 15,000 एंड द 22,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः जो है 1500 और 2000 यहाँ पे 22,500 रुपये लगाते हैं। इन व्हाट रेशियो शुड हिज प्रॉफिट बी डिवाइडेड, उनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में डिवाइड होगा यानी बटेगा। देखिए इसको क्या किया जाएगा, आपका जो इनका रेशियो दे रखा ए और बी का, जो आपका पैसा लगाया जा रहा है उसको पहले लिखते हैं 15,000 यहाँ पे है, और दूसरा वाला जो यहाँ पे रेशियो लगा के लिखेंगे क्या है 0, 2 0 से 2 0 कट गया इधर, आपका ये 150 बचा है, 150 का मतलब है 25,650 कट गया, और यहाँ पे 225 का मतलब क्या है 9 बार कट जाएगा 25 से, 3 2 6 3 3 9 2 और 3 के अनुपात में इनका जो लाभ होगा उसको आपको बांटा जाएगा, क्योंकि भाई जो पैसा ज़्यादा लगाया है उसको ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट भी तो मिलेगा, है ना, यही चीज़ है यहाँ पे, यानी 2 और 3 का रेशियो। कह रहा है कि अ चेयर कॉस्ट ऑफ द 89 एंड द टेबल कॉस्ट ऑफ द 127, सो व्हाट विल बी द एडजस्ट वैल्यू ऑफ द 8 डजन चेयर एंड 7 डजन टेबल्स।
आपका एक कुर्सी की कीमत अगर 89 रुपये दे रखा है, एक मेज़ की कीमत 127 रुपये, तो 8 दर्जन कुर्सियों और 7 दर्जन मेजों का आसन्न मूल्य क्या हो जाएगा, यानी औसत मूल्य की यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए इसको करना क्या आपका कि 89 आपका किसका है, ये आपका एक कुर्सी का है, एक कुर्सी का ये दाम दे रखा है। उसके बाद कर रहा है कि कितना 8 दर्जन, 8 आपका और दर्जन यहाँ पे 12, ओके, प्लस आपको क्या करना 127 गुणे में 7 और यहाँ पे दर्जन ए भी है तो यहाँ पे भी 12 आपका हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। आपका 898 और यहाँ पे 12 का जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 85 और 44, और इसका जब 127 और 7 का और 12 का जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 10668 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, इतना आ जाएगा आपका 19212 रुपये आपके आ जाएंगे। ओके, दोनों को जोड़ेंगे तो 19212 रुपये आपको मिल जाएंगे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर टू डिजिट्स आर द नंबर फॉर्मड बाय द मोमेंट ऑफ द डिजिट्स इज 54, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी जो आपका कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है उनके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर जो है कितना, 54 है, यानी 54 है। उस मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि जो आपका इकाई का अंक है, यानी जो इकाई का अंक है उसको यक्स मान लें, इकाई के अंक से अंक, और यहाँ पे जो दहाई है उसको क्या बना लेते हैं, ये वाई बना लेते हैं। ओके, कह रहा है कि जो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे संख्या हो जाएगी 10y प्लस का यक्स आपका यहाँ पे ये संख्या होगी। कह रहा है कि अंकों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, अंकों का स्थान परिवर्तन, यानी जहाँ पे इकाई था उसको दहाई कर दिया, जो दहाई था उसको इकाई कर दिया जाए। तो क्या होगा अंकों का स्थान परिवर्तन पर, अंकों का स्थान परिवर्तन कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 10x हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, वाई आपका ये जो इकाई वाला पोर्शन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि इनके दोनों के बीच का अंतर, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी 10yx माइनस का आपका 10x और माइनस का वाई, इनके बीच का जो डिफरेंस कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। अब देखिए 10y और माइनस का वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9y, और 10x है और यहाँ पे प्लस का एक्स है, यानी माइनस का 10x, और ये आपका क्या हो जाएगा, 9x माइनस का, ये 54 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो y माइनस का x और 9 इधर बाहर हो गया, ये 54 हो गया। 9 से इसको डिवाइड किया, 9×54, यानी y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए y आपने क्या माना था, y आपने दहाई का अंक माना था और x को आपने इकाई का अंक माना था, यानी इनके दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट करना चाहते स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ओके, तो आपके जो मोस्ट मॉडल 25 क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जरूर जुड़े ताकि आपका इसका PDF आराम से ले सकें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनल। थैंक यू।